सर, इस ऑपरेशन के बारे में अभी तक क्या जानकारी है? जैसे कि आप जानते हैं, माननीय हाईकोर्ट के आदेशानुसार ये एक सरकारी बाग है, जवाहर बाग, जिसको खाली कराया जाना था। ये एक अनाधिकृत रूप से ऑक्यूपाई किया हुआ लैंड था, उसको खाली कराए जाने का प्रयास था। काफी समय से लोगों को समझाया जा रहा था, बुझाया जा रहा था, नोटिस दिए जा रहे थे, अनाउंस कराया जा रहा था। आज भी एक रैकी पार्टी यहां पे पुलिस की थी, जो व्यवस्था देखने आई थी, उनके ऊपर जिन्होंने यहां अतिक्रमण किया था, उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया, फायर किया, जिसमें हमारे एसपी सिटी घायल हुए, बाद में उनकी मृत्यु हुई। हमारे एक स्टेशन ऑफिसर फरे, उनको गोली लगी, उनकी मृत्यु हुई। कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए, हमारे सीओ साहिबान जख्मी हुए, मैजिस्ट्रेट जख्मी हुए, और अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र खाली करा लिया गया है। और जो लोग जो उग्र हुए थे और जिन्होंने फायर किया था और आगजनी की थी, उन लोगों को हमने चिन्हित कर लिया है, बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। राम रशी सर क्या हुआ सर? उसका निश्चित रूप से उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। लगभग हमारे पास 200 लोग हैं, 200 से अधिक लोग हैं। अब उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है कि कौन कौन व्यक्ति थे जिनके द्वारा आक्रमण किया गया, उनके खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो है हमारे पास लगभग 12 बॉडीज हमारे पास हैं, अभी सर्च जारी है, आगे कुछ पता चलेगा तो बताया जाएगा। इनमें से पुलिस का असलाह बरामद हुआ है सर, अंदर से असलाह भी बरामद हुआ है, तमंचे, कारतूस, राइफलें, बंदूकें, ये सब बरामद हुई।